द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। दरअसल बाबा रामदेव को तो आप भलीभांति जानते होंगे और बाबा रामदेव के विज्ञापनों को भी आपने देखा होगा कि कैसे वो नमक से लेकर और अन्य प्रोडक्ट बेचते हुए चले जा रहे हैं और खुद को बता रहे हैं कि हम स्वदेशी हैं। उनके कई भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार लगा रहा था और आज माफ़ी मांगी गई, और जिसके बाद बाबा रामदेव की ऐसी फजीहत हुई जो आज तक कभी नहीं हुई। दरअसल बाबा रामदेव जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकल रहे थे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बाबा रामदेव बताइए, आपने झूठ क्यों बोला, आप क्यों जो है माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। तो बाबा रामदेव कुछ बोल नहीं पा रहे थे और चले जा रहे थे। ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, खबर भी बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएंगी एक एक करके। अब देखिए, बाबा रामदेव और बालकृष्ण अदालत में फिर होंगे पेश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी फटकारा, यानी केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है। दरअसल 2014 के पहले बाबा रामदेव ने महिमा मंडन किया था। बाबा रामदेव ने बताने और समझाने की कोशिश की थी कि आखिरकार किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल सस्ता कर देगी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में रामराज्य आ जाएगा और सब खुशहाल हो जाएंगे, सारी स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी। लेकिन बाबा रामदेव ने तो उसके बाद बोलना ही बंद किया। पेट्रोल डीजल को लेकर बाबा रामदेव से सवाल पूछा जाता था, बाबा रामदेव झिल्ला झल्ला जाते थे और जवाब देने से कतरते थे। फिलहाल अब बाबा रामदेव के सामने मुसीबतें बढ़ गई हैं। बाबा रामदेव पूरी तरीके से अब टारगेट किए जा रहे हैं। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद के मुखिया योग गुरु बाबा रामदेव और MD आचार्य बालकृष्ण को फिर से अदालत में पेश होना होगा। उन्हें 10 अप्रैल को अगली सुनवाई पर बुलाया गया है। इसके अलावा जवाब दाखिल करने का भी मौका जो है दिया है। इस दौरान रामदेव ने वकील के माध्यम से कहा कि हम निजी तौर पर अदालत में हैं और माफ़ी मांगते हैं। यानी आप समझिए, ये वही बाबा रामदेव हैं जो कभी दावे के साथ बातें कहते थे। बाबा रामदेव कहते थे कि आप नूडल्स खाओ, पतंजलि का नूडल्स खाओ, आटा नूडल्स खाओ, और आटा नूडल्स ऐसा था कि जिसको जो है FSSI से लिया भी नहीं गया था, और अब स्थितियाँ कैसी हो गई बाबा रामदेव के सामने। यानी स्वदेशी के नाम पर कैसे पूरे देश को मूर्ख बनाने का काम बाबा रामदेव ने किया था, और बाबा रामदेव को अब केंद्र सरकार भी नहीं बचा पा रही, क्योंकि केंद्र को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई जा रही है। अब जरा देखिए कि बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मैं निजी तौर पर अदालत में, वो माफी मांगते हैं जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि आपको पहले ही चेतावनी दी गई थी और आपने एफिडेविट में दाखिल किया था, फिर क्यों इस तरह की गलती हुई, ये पूरी तरह से अवमानना है, ये कोर्ट की भी अवमानना है, ये पूरी तरह से अवमानना है। केवल उच्चतम न्यायालय ही नहीं बल्कि देश भर की सभी अदालतों द्वारा पारित हर आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए, ये बात कही गई। अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को निजी तौर पर फिर से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अब दोनों को 10 अप्रैल को फिर से कोर्ट में हाजिर होना होगा। इसी दिन पतंजलि और योग गुरु बाबा रामदेव को हलफनामा भी दाखिल करना होगा। अदालत ने कहा कि हम आपको आखिरी मौका देते हैं और जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का वक्त देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने हलफनामे में पतंजलि के प्रबंध निदेशक के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि औषधि और प्रसाधन सामग्री जादुई उपचार अधिनियम पुराना है। ये बात कही गई थी हलफनामे के द्वारा कि ये जो कहा जा रहा है कि जो प्रसाधन सामग्री है, हलफनामा पतंजलि के प्रबंध की ओर के दिया गया था कि ये जादुई उपचार अधिनियम पुराना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से एक्शन न लेने पर हैरानी जताई है। जस्टिस अमानुल्ला और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि आश्चर्य है कि जब पतंजलि कंपनी जोर शोर से कह रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तब सरकार ने अपनी आंखें बंद क्यों रखी। इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यानी आप समझिए कि कोरोना के टाइम भी, यानी आपदा को अवसर में तब्दील करने की कोशिश बाबा रामदेव के अंदर थी, और बाबा रामदेव इस कला का प्रदर्शन भी कर रहे थे। जब कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी थी तो बाबा रामदेव ने कहा कि आइए हमारे पास कोरोना की दवाई, इसको लीजिए, चट कर जाइए, कोरोना भाग जाएगा, और फिर समस्या शुरू हो गई बाबा रामदेव के सामने। पहले तो खूब विज्ञापन चले, TV में भर भर कर विज्ञापन दिए गए ताकि आम जनता तक ये पहुंच जाए कि इसको खाइए, कोरोना भगाइए, लेकिन पता चला कि भैया इससे कोरोना जाता ही नहीं है, कोरोना के लिए तो वैक्सीन ज़रूरी है। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये सब बातें सरकार के संज्ञान में थी तो सरकार ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों बाबा रामदेव की कंपनी पर एक्शन नहीं हुआ। कि बाबा रामदेव बताइए कि जब कोरोना की वैक्सीन आई ही नहीं है, कोरोना की कोई दवाई ही नहीं है, तो फिर आप ये क्या बेच रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई गई है।
और कहा गया है, अब तुषार मेहता की ओर से कहा गया जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब तुषार मेहता क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे जो नहीं हुआ वो, जो होना था वो नहीं होना चाहिए था, तो इस पर सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए था। कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा, आपको न्यायालय में दिए गए वचन का पालन करना होगा, आपने हर सीमा को तोड़ दिया है, यानी कोर्ट की अवमानना की है, तो बाबा रामदेव की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी, अभी कोर्ट में फिर आना जाना लगा रहेगा। गौरतलब है कि 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के मुखिया रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था इस मामले में फटकार लगाई थी और कहा था कि इस मामले में रामदेव और बालकृष्ण खुद अगली सुनवाई पर पेश हों। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण आज अदालत पहुंचे, यही नहीं अब उन्हें कोर्ट ने फिर से निजी तौर पर अदालत में पेश होने को कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, अब बाबा रामदेव से मीडिया सवाल भी पूछेगी। और ये वीडियो आप देखिए, वीडियो ये एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है, आप देखिए ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। इस वीडियो में साफ तौर पर सवाल पूछा जा रहा है पत्रकारों के द्वारा कि बताइए, और बाबा रामदेव वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं कोर्ट से, आप देख सकते हैं ये वीडियो, और लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है बाबा रामदेव, उसके बाबा रामदेव बताइए आपने कोर्ट में झूठ क्यों बोला, आप क्यों इस तरीके की बातें आपकी तरफ से मतलब की गई थी, ये जो अधिनियम है ये पुराना ऐसा वैसा करके। आप देखिए अशरफ हुसैन ने बाकायदे इस खबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद बाबा रामदेव की वीडियो वायरल, और बाबा रामदेव की अब वीडियो वायरल हो रही। डॉक्टर मोनिका सिंह भी इस पर लिख रही हैं कि बाबा रामदेव के वकील कोर्ट से बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, कोर्ट माफ़ी स्वीकार नहीं, अब हम अवमानना पर कार्रवाई करेंगे। जो कोर्ट की अवमानना की गई है बाबा रामदेव के द्वारा वो ठीक नहीं है, ये सीधे तौर पर कहा गया है। आपने क्या किया आपको उसका अंदाज़ा नहीं है, आपके गंभीर मसलों का मजाक बना रखा है, ये सीधे तौर पर कहा गया है कि जो मसले हैं उनको आपने बहुत गंभीर बना दिया है। बाबा रामदेव को फटकार लगाई गई है और आपको पता लगना चाहिए कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का क्या नतीजा होता है। तो बाबा रामदेव के सामने अब बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, उनका जवाब बाबा रामदेव कैसे देंगे ये अपने आप में बड़ी बात है कि देश के संविधान के साथ, देश के नियमों के साथ आप खिलवाड़ करते रहेंगे तो आपको कुछ आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं लोग लिख रहे हैं और ये रिएक्ट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर देखिए किस तरीके से लोग लिख रहे हैं। रोहित लिख रहे हैं कि गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद माफ़ी मांगने पर शर्म आनी चाहिए ऐसे बाबाओं को, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। दरअसल पतंजलि में जिस तरीके का व्यापार बाबा रामदेव ने किया और उसके बाद जनता को ये बताने की कोशिश की कि हम तो देसी हैं, हमारा आइटम बिल्कुल शुद्ध देसी है, हम देसी घी भी बेचते हैं, हम सब बेचते हैं, नमक बेचते हैं, और बाबा रामदेव के नमक वाली पैकेट जब आप खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि 5000 वर्ष पुराना, और आगे लिखी रहती है एक्सपायरी डेट, यानी बाबा रामदेव ने बिल्कुल सही समय पर खुदाई करवा ली थी वरना ये एक्सपायर हो जाता वहीं पर। तो इस तरीके से बाबा रामदेव चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे और जनता को भ्रामक स्थिति में ला रहे थे। और कोरोना की दवाई तो आपको पता ही है कि जब पूरा देश प्रताड़ित था, परेशान था, उस वक्त तो सैनिटाइज़र का घोटाला आ रहा था कि सैनिटाइज़र कैसे बेचे जा रहे हैं, मास्क जो 50-50 रुपए में थे 250-250 रुपए बेचे जा रहे थे, तो बाबा रामदेव ने सोचा कि जब ये सब गेम चल रहा है तो हम कोरोना की दवाई निकालेंगे तो हमारा व्यापार तो यहां से वहां पहुंच जाएगा, मतलब एकदम आसमान पर पहुंच जाएगा, और फिर विदेशों से भी हमारे प्रोडक्ट की खरीदारी की डिमांड आ जाएगी। लेकिन ये मामला अब उल्टा पड़ गया है और शायद सरकार ने भी अब साथ छोड़ दिया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के मामले पर ना बोलने पर बाबा रामदेव से भी खफा सरकार अब कुछ कर नहीं पा रही, और सरकार को भी बाबा रामदेव के चलते फटकार लग रही, तो संबंध तो खराब हुए ही, अब बाबा रामदेव का क्या होगा ये जनता सवाल कर रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।